हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुजियास्टिक राइडर। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ 4Eco Sport के ब्रेक की टेस्टिंग, ब्रेकिंग पावर चेक करने वाला हूँ मैं 4Eco Sport की अलग अलग रोड कंडीशन पे और अलग अलग स्पीड में। पहले मैं हूँ हाईवे पे जो डामर का रोड है उस पे, उसके बाद फिर पॉसिबल होगा तो सीमेंटेड रोड अगर मिला मुझे तो। वैसे मेरे शहर में सीमेंटेड रोड है नहीं, गली कूचे में है तो वहाँ स्पीड में हम लोग ब्रेक टेस्ट नहीं कर सकते। तो डामर वाले रोड पे पहले हम लोग करेंगे हाईवे पे, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एक ग्राउंड में जाएंगे कच्चे सड़क पे, कच्चे रोड पे, उसमें फिर अलग अलग स्पीड में ब्रेकिंग पावर चेक करेंगे। इंस्टेंटली ब्रेक प्रेस करूंगा मैं, ये धीरे धीरे प्रेस नहीं करूंगा, और आप लोग को टाइमिंग के साथ दिखाऊंगा कि कितने देर में गाड़ी रुक जाती है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं चालू कर रहा हूँ टेस्ट नंबर वन जो कि है इस डामर रोड पे। स्पीड होगी मेरी 50 की और इंस्टेंटली ब्रेक दबाऊंगा मैं, और उसके बाद देखते हैं कितना सेकंड्स लगता है 4Eco Sport को रुकने में। तो अभी स्पीड है 30 की, 40 हो गया है, 50 आने वाला है। मेरे पीछे अभी कोई गाड़ी नहीं है तो 50 की स्पीड आ चुकी है, अब मैं ब्रेक दबाने वाला हूँ। तो 1, 2, 3। तो अब गाड़ी साइड लगाते हैं। तो आप लोगों ने देखा, पचास की स्पीड में कितने सेकंड्स लगे, अभी आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 50 की स्पीड में कितना टाइम लगा गाड़ी को रुकने के लिए। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं टेस्ट नंबर टू जो कि होगा 65-70 की स्पीड के बीच में। मेरे पीछे कुछ गाड़ियां हैं, वो निकल जाए, उसके बाद मैं सेकंड टेस्ट जो है ब्रेकिंग टेस्ट उसको चेक करते हैं। तो गाड़ी आ गई है 70 की स्पीड में और अभी हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर टू, ब्रेकिंग टेस्ट नंबर टू। तो 70 की स्पीड आ गई है, तो 1, 2, 3। तो आप लोगों ने देखा 70 की स्पीड में, गाड़ी को रुकने के लिए कितना सेकंड्स लगा, टाइमर आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन पे। इस टेस्ट को मैं फिर से करूँगा, शायद कैमरा हिल गया था, नहीं होगा तो फिर दो बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड इस बार थोड़ा सा ट्राई करूँगा 75 की रखने की, 75 अबाव रखने की, तो ये टेस्ट नंबर 3 भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद, ट्रैफिक कम होने के बाद, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं टेस्ट नंबर 3 जो कि होगा 75 या फिर 80 की स्पीड में। तो 45-50 आ गई है, 54 पीछे गाड़ी है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। 72, 75, 77, 80 की स्पीड आ गई है। तो मैं अब शुरू करने वाला हूँ टेस्ट नंबर 3। तो टेस्ट नंबर 3 शुरू करते हैं, 1, 2 एंड 3। तो अब गाड़ी साइड लगा लेते हैं एक बार। तो आप लोगों ने देखा स्क्रीन पे दिख गया होगा कितना सेकंड लगा, 80 अबाउ था, 82 की स्पीड थी, आप लोग को दिखा होगा। उसमें मैंने इंस्टेंटली ब्रेक दबाया तो कितना सेकंड्स लगा आप लोगों ने देख लिया है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, इस वीडियो में जो मैं ब्रेक टेस्टिंग कर रहा हूँ उसमें जब मैं ब्रेक दबाता हूँ तो क्लच को मैं पूरा दबा दे रहा हूँ, गियर शिफ्टिंग से जो गाड़ी स्टॉप होती है उसको अभी मैं न्यूट्रल कर दे रहा हूँ क्लच दबा के। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4 जो कि होगा 100 की स्पीड में, और मेरे पीछे एक बाइक वाला है लेकिन उससे मैं डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग जो डामर रोड पे लास्ट टेस्ट है 100 स्पीड का, 100 किलोमीटर पर आवर का, तो वो हम लोग अब ट्राई करेंगे। गाड़ी आ गई है मेरी 96, 97, 100। तो अब मैं ट्राई टेस्ट करने वाला हूँ 4। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं, 1
1, 2, 3 तो आप लोगों ने देखा 100 की स्पीड में मुझे कितना टाइम लगा। तो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पे देखा होगा मुझे कितना टाइम लगा 100 की स्पीड में, 4D को स्पोर्ट का कितना टाइम लगा 100 की स्पीड में गाड़ी रुकने के लिए। तो हम लोग ने जो हाईवे रोड है, डामर का जो रोड है, रोड कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट रोड की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होने से मुझे लगता है कि ब्रेकिंग पावर और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि डामर की क्वालिटी पे भी ब्रेकिंग पावर डिपेंड करती है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि होने वाला है कच्ची सड़क पे। शायद मैं ग्राउंड पे जाऊंगा, तो वहाँ क्या कंडीशन होती है वहाँ चल के देखते हैं। बाकी हाँ, टॉप स्पीड मैं वहाँ पे अचीव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ग्राउंड है, 100 की स्पीड अचीव कर पाना वहाँ मुश्किल हो पाएगा। अगर क्राउड नहीं रहा तो फिर ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं कच्ची सड़क की तरफ और वहाँ चलते हैं, वहाँ करते हैं ब्रेकिंग पावर की टेस्टिंग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अब हम लोग आ गए हैं कच्ची सड़क पे, ग्राउंड पे। तो अब हम लोग इस कच्ची सड़क पे हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट नंबर 1, जो कि होगा थोड़ी लो स्पीड में, 40 अराउंड की स्पीड में। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 1। तो गाड़ी आ गई है 40 की स्पीड पे, तो अब मैं क्लच दबा के स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने देखा कितना टाइम लगा मुझे गाड़ी को रुकने में। तो वही टेस्ट में एक बार फिर से करने वाला हूँ, टेस्ट नंबर 1। ये आ गई 40, 45, 50 की स्पीड और अब मैंने दबा दिया ब्रेक। तो आप लोगों ने देखा 40 से 50 की स्पीड है, तो कितना टाइम लगा मुझे गाड़ी को रोकने में, गाड़ी को रुकने में बेसिकली कितना टाइम लगा आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के ट्राई करने का गाड़ी कितनी देर में रुकती है। तो वो होगा टेस्ट नंबर 2। गाड़ी आ गई है अभी 70 की स्पीड में और मैं ब्रेक दबा रहा हूँ। तो सत्तर की स्पीड पे आ गई थी गाड़ी, उसके बाद मैंने फिर ब्रेक दबाया। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना टाइम लगा 70 की स्पीड में गाड़ी को रुकने के लिए। इसी रोड पे मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ 70 से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अचीव करने का। तो ये होगा लास्ट अटेम्प्ट, हम लोग ट्राई कर रहे हैं टॉप स्पीड अचीव करने का। 79 की स्पीड आ गई थी। तो हम लोगों ने दोनों कंडीशन में ब्रेक टेस्ट कर लिया है। पहले डामर के रोड में हम लोगों ने ट्राई कर लिया, पहले लो स्पीड में, उसके बाद फिर मिड स्पीड में, और उसके बाद टॉप स्पीड में ब्रेकिंग पावर कैसी है, 4D को स्पोर्ट की कितना टाइम लगा उसको तीनों कंडीशन में रुकने के लिए। और उसके बाद हम लोग ने कच्ची सड़क में भी ट्राई किया, ऐसे ग्राउंड में, हालांकि 100 की स्पीड अचीव नहीं हो पाई, यहाँ पे कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, अनइवन भी है रोड, सॉरी ग्राउंड, और ग्राउंड है तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है 100 की स्पीड अचीव कर पाना। फिर भी मैंने ट्राई किया लो स्पीड में, अराउंड 30-40 की स्पीड में, और उसके बाद 70 और फिर 79 की स्पीड में। तो आप लोगों ने देखा कितना टाइम लगा 4D को स्पोर्ट को रुकने के लिए कच्ची सड़क पर भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में बस मैं आप लोग को यही बताना चाहता था कि 4D को स्पोर्ट की ब्रेकिंग पावर कैसी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है एंथुजियास्टिक राइडर।